ओए सलमान, अब तो तेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, शादी कब करेगा? मैं तो कहता हूँ तुझे अपने नाम के आगे सन्यासी लगा लेना चाहिए। बच्चे लोग भी अब तो तेरे को सलमान भाई की जगह सलमान दादाजी बोलने लगे हैं। मैं अब एक नई मूवी बनाने जा रहा हूँ, गदर 3। उसमें मुझे एक बूढ़े आदमी का रोल चाहिए जो मेरे बाप का रोल करेगा। अगर तुम कहते हो तो मैं तुमको वो रोल दिलवा देता हूँ। तुम पर बूढ़े आदमी का रोल बहुत जचेगा। सलमान भाई, बात तो एकदम ठीक है। सन्नी भैया ठीक बोल रहे हैं, आपकी शादी करने की उम्र अब जा चुकी है। शादी करने का ख्याल आपको अपने दिल से अब निकाल देना चाहिए। जब मैं एक बार कमेंटमेंट कर लेता हूँ, किसी की नहीं सुनता, अपनी नहीं सुनता, यहाँ तक कि अपने बाप की भी नहीं सुनता। अपने बाप की नहीं सुनी तभी तो मैं अब तक कंवारा नहीं रंडवा बैठा हूँ। माँ कसम सलमान बेटा, तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी जवानी की याद आने लगती है। काश मैंने तुम्हारी तरह शादी ना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने क्या नहीं किया अपने बीवी बच्चों के लिए। ट्रेन में कोयला झोंका, गुंडों की मार खाई, दिन रात मेहनत की। मैंने क्या सोचा था बीवी बच्चों के लिए और वो क्या निकले। ओए पापा, तू ढक्कन है क्या? झूठ मत बोल, मैं तेरे को बराबर खर्चा देता हूँ। गदर 2 फिल्म में से भी मैंने तेरे को 200 रुपए दिया था, बोल गए क्या? माँ कसम बेटा, उस 200 रुपए की तो मैं ताड़ी पी गया था। What? और अभी भी उस सुल्फे वाले खाईवाड़ का 100 रुपया मेरे ऊपर बाकी है। उस सुल्फे वाले खाईवाड़ को बोल देना, अगर वो दोबारा 100 रुपए मांगने आया तो मैं उस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। Oh, no. ओए पापा, इसका मतलब तुम ताड़ी पीते हो, सुल्फा पीते हो, सट्टा खेलते हो। मम्मी को बताऊंगा, मेरी मेहनत की कमाई तुम ताड़ी में, सट्टे में और सुल्फे में उड़ाते हो। माँ कसम सन्नी बेटा, तुम सब कान खोलकर सुन लो। अगर तूने अपनी मम्मी को बताया तो मैं तुम्हें आग सेकने नहीं दूंगा। आग जलाने के लिए मैंने लकड़ी इकट्ठा की थी, मैं इस आग में पानी डालकर बुझा दूंगा।